तो आज हम कहाँ हैं ये जानने के लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाजिर अंसारी और आप लोग देख रहे हैं सर्चिंग हिल्स। तो आज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था, बारिश हुई सुबह सुबह, तो आज सोचे कि क्यों ना चल चले कहीं अच्छी जगह पे जहाँ सुकून हो। तो आज हम जा रहे हैं संत कबीर नगर में और जा रहे हैं कबीर दास के यहाँ। और इतने अच्छे मौसम में कोई अपने को कैसे रोक पाएगा बाइक चलाने से, बताओ। इतनी अच्छी हरियाली है, इतनी अच्छी रोड है, दोनों तरफ पेड़ हैं, बीच में पतला सा रास्ता है और ये ठंडी ठंडी हवा जो लग रही है ना बाइक पे, कसम से यार इसका मजा ही कुछ और है। तो फिर चलते हैं मगर कबीरदास जी के यहाँ पे और इन्जॉय करते हैं। तब तक आप लोग देखिए थोड़े से ये व्यूज़ और इनको इन्जॉय कीजिए। और ये आ गए हम लोग अब संत कबीर नगर ज़िले में और मगहर कबीरदास जी का ये रहा गेट की एंट्री। और यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं अब। गोरखपुर से यहाँ की दूरी है लगभग 30 किलोमीटर, तो अगर आना हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे आएँ। और ये हमने इधर से ली मेन गेट की तरफ में एंट्री। यहाँ से कबीर जी का जो स्थल है ये यहाँ से मेन एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और बहुत खूबसूरत रास्ता है यहाँ पे। और ऐसे मौसम में तो और क्या बताऊँ मैं, क्या ही कहूँ मैं। ये है कबीरदास जी का मज़ार। और ये है उनका समाधि स्थल। मज़ार और ये समाधि उनकी दोनों ही बिल्कुल ठीक आमने सामने ही बनाई गई है। वैसे तो सभी मज़हब के लोग कबीरदास जी को मानते हैं, लेकिन उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद में दोनों ही लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, उनकी याद में मज़ार बनवाया और एक जगह ठीक सामने समाधि बनवाई उनकी। और ये है कबीरदास जी के स्थल का घाट। और यहाँ पे बैठने के बाद में जो सुकून है वो अलग ही लेवल की खुशी देता है यार, सच में। अब लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम लोग अब जा रहे हैं ढाबे पे। और अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और अपने ज़रूरी कमेंट्स ज़रूर डालना। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो भी नई अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और ये है गोरखपुर लखनऊ हाईवे। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सारे ढाबे।
इस बगल देखेंगे आप लोग तो सारे ढाबे आपको दिखेंगे। लेकिन मैं रुकूंगा नाहर पंजाबी ढाबा पे। क्या क्या सब्जी है आपके पास? पालक पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, हांडी पनीर, शाही पनीर, पनीर दो प्याजा, पनीर बटर मसाला, पनीर पनीर, मलाई पनीर, मलाई कोफ्ता, अरहर की दाल। बताओ भाई क्या खाना है? मटर पनीर। मटर पनीर और क्या खाना है? आलू पराठा। ठीक है। तो खाना कैसा है? हैं? अच्छा है ना? पराठा सही है, मस्त एकदम। मुझे भी अच्छा लग रहा है यार, भूख भी लगी थी बहुत। तो फिर अब चलने का वक्त आ गया है। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।